आज के लिए बस बस हो गया, बस हो गया। का खून करेगा ना? नहीं ऐसे नहीं, उल्टा ऐसे मैं उल्टा पकड़े बोलू ऐसे रहता है ना ही उल्टा हो गया का सुमेश सीधा पकड़। हाँ बस इतना हो गया, अब हम निकालने में। तो जो पम्पकिन होता है वो कल्चर में वुमेन्स उसे नहीं काट सकते, भी घर का एक मेल उसे पहले छुरी से ऐसा थोड़ा सा वार करना, उसके बाद लेडीज काटना शुरू करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। डे 3 व्लॉग नहीं जा सकता, मैं सब व्लॉग रेडी रख रहा हूँ, मैं हर एक व्लॉग एडिट करने जा रहा हूँ और मुंबई आते ही सारे व्लॉग अपलोड होंगे। कहीं पे भी रहो, बी हेल्दी, एप्पल साइडर विनेगर डेली। गाइस आप लोगों को पता नहीं मुझे कितना अंदर से बुरा लग रहा है। जेन्युइनली चाहता था कि मुझे जो फील हो रहा है वो आप लोगों को फील हो, उसी मोमेंट पे उसी टाइम पे फील हो। ठीक है अभी क्या कर सकते, यहाँ पे नेट भी नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने 5GB का जो फाइल दिखाया था आपको, मेरा सेकंड डे का व्लॉग भी 1080p 60 फ्रेम में किया है, 2.5 या अराउंड उसके आसपास कुछ तो बन गया है। मुंबई आने एक साथ एक प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दूंगा, हर दूसरे या तीसरे दिन जो भी अपना जैसा पीरियड था, रुक जा वैसा अपलोड करूंगा। सुबह सुबह अपने टेरेस पे एप्पल साइडर विनेगर और क्या चाहिए। He's 75 लेकिन खुद ही करना है सब। थोड़ी तबीयत रहे हो कोई बड़ी भाई चीटिंग आओ हम ऐसे ही कर रहे हैं। जिम आओ कभी हमारे गांव, आओ जिम कराता हूँ मैं। बॉडी पंप है थोड़ा, टेरेस से जाके थोड़ा होम वर्कआउट करना, पुशअप स्क्वाट्स सब वर्कआउट करके नहाने के बाद मिलता हूँ। मुझे लगा था यहाँ का पानी हार्ड रहेगा तो बाल डैमेज करेगा, लेकिन नहीं यार यहाँ का पानी ठीक है, कुछ डैमेज फील नहीं हो रहा, नॉर्मल जैसा बाल रहता जैसा बाल रहता है वैसा ही, कुछ डैमेज नहीं है। नाइस टॉवल टॉवल टॉवल। तो यहाँ के पानी से बाल को कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है तो मैं नहीं कटा रहा हूँ बाल, कटाना वो भी एक अच्छा कंटेंट मिलता, मतलब रूलर साइड हेयर कटिंग करके वीडियो बन जाता था, लेकिन अब बाल ग्रो करना मेन गोल है तो अब मुझे लगता नहीं मैं कटाऊंगा भी, तो शायद सिर्फ ट्रिम कराऊँ थोड़ा थोड़ा। मैं तुमको अपने खेत से मिला था, हमारे खेत में क्या क्या ग्रो होता है। फॉर दी हेल्प आई नीड बाबू बोरा, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, बैगन, धनिया, पालक, गाजर हुए, तुलसी के पीछे वाला का, लहसुन पूरा उटीन, आलू पूरा, आलू और वो पूरा वीट लग गया, पपिया, मैंगो,
ये भी मैंगो, अगेन पपैया, इधर तो बना नहीं, ये लेमन का है, ये नीम का है। बाबू जी के घर आओ, नीचे बेल का जूस पिया था ना तुझे? हाँ। बेल का रस हुआ है। अरे फ्लावर्स का है और पीछे एक और मैंगो का है। सेल्फ डिपेंडेंट घर है हमारा। ए चलो मैंने वन से हंड्रेड ट्वेंटी नाइन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन के बाद हंड्रेड सेलिब्रिटी भाई का। धरती सुनहरी अंबर मेरा कुछ भी धरती सुनहरी अंबर मेरा। सो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस इज द नेक्स्ट डे। उसके बाद ज्यादा कुछ भी रिकॉर्ड किया नहीं, कुछ था ही नहीं रिकॉर्ड करने लायक। बाबा आज हमसे कहाँ जाते भाई? अपन टू ट्रैक्टर दिख रहा आपको वहां पे ब्लू होप। हाँ तो जो ट्रैक्टर आपको दिख रहा है वहां पे भी हमारा खेत है, तो उसके ऊपर सब जो अर्थ इंग्लिश में क्या बोलता का बो जो डाई जाता है वीट को ग्रो करने के लिए सीड्स डालने जा रहे हैं हम लोग। यार गांव और अपनी खेती के बारे में ना पता हो तो फायदा क्या हुआ आगे। तो आज मैं टूर पे निकला हूँ अपने खेत को जानने के लिए। वह घर वो घर है और आप लोगों ने अगर अभी तक नोटिस किया कि नहीं पता नहीं, लेकिन आई एम वेयरिंग न्यू स्पेक्स, तो ये नया नया है तो इसलिए थोड़ा सर भी दर्द कर रहा है, बाकी सब फर्स्ट क्लास, बाकी सब मस्त है। ट्रैक्टर के ड्राइवर को हमने इन्फॉर्म कर दिया, उस पर थोड़ा चला के वो जो अरे यार जो भी बोलता है उसे, और मेरे को एग्रीकल्चरल नॉलेज इतना है नहीं तो कहीं पे कुछ गलत हो गया तो वॉइस ओवर आएगा। तो बैक होम तो जोताना मतलब ट्रैक्टर के साथ वो मट्टी को खनना होता है। जब मट्टी खन जाती है अच्छे से प्रॉपर का सब मट्टी वट्टी सब खन जाता है, उसके ऊपर से सीड डालते हैं और उसके बाद 20-25 दिन के लिए उसको छोड़ देते हैं और उसके बाद उसमें पानी डालते हैं। जिसका सीड हम डालने जा रहे हैं वो वीट गेहूं। तो जोताना मतलब मिट्टी को खनना, बोना मतलब सीड डालना। आगे यहाँ तक फ्यूचर में काम आएगा क्योंकि सपने मेरे साथ में, तो आधा रास्ता मैं वो उठाऊंगा आधा रास्ता ये उठाएगा। और दादाजी नहीं आ रहे हमारे साथ, एक भैया है। कहाँ गए नो? सॉरी हमारे परम मित्र गणेश जी का कॉल आ गया था, उनसे थोड़ा वार्तालाप कर रहा ना इसलिए वीडियो कट गया। पकड़ रहे अभी मेरी बारी है पकड़ने की, तो मैं उसे पकड़ना और सपने रिकॉर्ड करेगा। बहुत ही हमारे लोकेशन में ये लोकेशन है, यहाँ पे सीड्स डालेंगे और फिर उसके बाद ट्रैक्टर जो थोड़ी देर पहले एक मिनट सना जो थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया आपको छाड़ना बोना, तभी बोएंगे उसके बाद छाड़ेंगे और आज के लिए हो जाएगा। हाँ यार थक गया। तो आप लोगों ने जो कल देखा दिन में जो देखा था जो मैं कर रहा था वो खेत वहाँ है घर के नजदीक, और ये है दूसरा खेत जो है घर से थोड़ा दूर अराउंड 800 मीटर 1 किलोमीटर दूर है ये खेत। और यहाँ पे अभी हम लोग वीट ग्रो कर रहे हैं। सो वी आर डन फॉर दिस फार्म, वी आर डन नाउ टू दैट फार्म, और उसके बाद ट्रैक्टर आके निकल जाएगा।
सो दादाजी नहीं आ रहे, दादाजी वहीं पे रुकने वाले, मैं दूसरे खेत पे जा रहा हूँ, बहुत मजा आ गया। 5 मिनट रुके। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखना है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मिलता हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में, और लोगों को दिखाओ कि रूरल एरिया लाइफ कैसे जीता। बाय।